जो है इसके इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्चे की माँ है और ये बेबी है और ये इनके साथ जो है वो आशा है। तो बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो पहली हमारी सिस्टर जो थी अनीता सिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करके अम्बो बैग से और ऑक्सीजन दे के बच्चे को सांस लाने की कोशिश की थी, पर वो सारी चीज़ें जब काम नहीं करी तो उसके बाद हमने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कम से कम 7 मिनट देने के बाद फिर बच्चे ने सांस ली और फर्स्ट ट्राई लिया। तो उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई इन सब चीज़ों को करने के बाद। मैं डॉक्टर सुरेखा चौधरी, मैं यहाँ एतमादपुर में एज ए पीडियाट्रिशियन वर्क करती हूँ। ये वो बेबी है और ये उनकी माँ है। और मैं ख़ास करके आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं वो है हमारे डॉक्टर MOIC जो है डॉक्टर संजीव वर्मा। वो उस दिन यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हर तरीके से हमारी कोशिश कामयाब करने के लिए अपना सपोर्ट दिया, ऑक्सीजन सारी चीज़ें अवेलेबल करवा के। और सबसे बड़ी बात, जब से वो यहाँ पे आए हैं जिस तरीके का पॉजिटिव माहौल उन्होंने बना दिया है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस वजह से हम ये सब काम कर पाते हैं। परिवार की तरफ से आपसे क्या कहना? परिवार की तरफ से देखिए, मैं भी एक माँ हूँ तो एक माँ के लिए अपनी बच्ची का जीवन क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे परिवार में मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है इन सब चीज़ों को लेके। और आप देख रहे होंगे इस बच्ची की जब जान आई और इसने जब पहली सांस ली तो जो खुशी हमें मिली उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो मैं सबसे बड़ी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ से यहाँ पे जब से एतमादपुर CHC में पोस्टेड हुए हैं तब से यहाँ का जो पूरी तरह से टीम वर्क है, ये पूरा टीम वर्क होता है, इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं होता है। जो हमारे मेन जो है वो बॉस, हमारा यहाँ का पूरा सिस्टर स्टाफ, ये जो आशा वर्कर्स है ये हमारे यहाँ पे काम करने वाली जो दाई है ये, और इन सब के मेहनत के वजह से हम इससे पहले भी कई बच्चों की इस तरह से जान बचा चुके हैं, पर ये जो था ये केस बहुत अलग था। इसमें बच्चे ने जब जन्म लिया था तो बच्चे में बिल्कुल जान नहीं थी, जो बाद में बहुत सारी कोशिशों के बाद हमने उसको अपनी सांस देके हमें बचाया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।